उफ, ये क्या हुआ? रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई और यहाँ पे चल रहा है कुछ रिपेयर या जुगाड़ का काम, और देखते हैं कि क्या होता है। जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ कि हम ऐसे अटक गए? तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और मेरे ब्लॉग से जुड़ जाइए और आपको सारी बात बताती हूँ शुरू से। आज सुबह की शुरुआत हुई थी एक हमारी फैमिली ट्रिप से। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं अपना भरपूर ज्ञान इनको देते हुए कि देखो मैंने क्या क्या लर्न किया, गाड़ी में हम लोग बैठ के जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। इट वाज अ सरप्राइज़। और आधे रास्ते के बाद मुझे पता लगा था कि आखिर ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली ट्रिप पर जो इन्होंने सरप्राइजिंगली प्लान करी, और हम जा रहे हैं मसूरी। मसूरी जाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शायद 13 या 14 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं। जब शौर्य बहुत छोटा था और अब पीकू काफ़ी छोटी है, शौर्य काफ़ी बड़ा है, तो और हमारा जो है एक और फैमिली मेम्बर आ गया है, तो ये बहुत ही अलग था। और मसूरी जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो क्वीन ऐसे ही नहीं है, आप वहाँ जाके उसकी ब्यूटी देखेंगे ना तो सच में आप जो है वो मोहित हो जाएंगे, एकदम सम्मोहित हो जाएंगे। तो आइए मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए और हमारे साथ चलिए इस जर्नी पर जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप के लिए मसूरी में। और मसूरी अगर आप रिसेंटली गए हैं या कभी भी गए हैं तो मेरी बात से आप एग्री करेंगे कि शायद उससे सुंदर जगह काफ़ी कम है। वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है और एकदम से पहाड़ी पे है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ और इनका फ़ोन जो है इनका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि ऑफिस भाई बिजी लोग। रास्ते में जो है हम लोग रुके थे यहाँ पर सुपरमार्ट के अंदर कुछ शॉपिंग करने के लिए। अब भाई बच्चे हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो सोचा चलो ट्रैवल के टाइम पे इनको कुछ दिला देते हैं ताकि गाड़ी में ये अपना शांतिपूर्वक जो है वो ट्रैवल करने देंगे। क्योंकि जो आगे रास्ता है वो कई जगह पे ऐसा है कि आप यू नो रोक नहीं सकते क्योंकि खाली होता है, तो बच्चे जो हैं उस टाइम पे काफ़ी मिस करते हैं कि कुछ मिल जाए। तो मेक देम बिज़ी एंड लेट देम हैव समथिंग दे वांट। तो यहाँ पर कुछ बस स्नैक्स ले रहे हैं बच्चे। एंड ट्रैवलिंग का सबसे अच्छा मज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा बच्चों को तब आता है जब उनको ऐसे छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी शॉपिंग करने को मिल जाए और उनकी मनपसंद की कुछ चीज़ें ले ली जाएँ। चैनल पर अगर आप बने हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी मसूरी गए हैं या आपका फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है। हाँ सेम सेम है दोनों का। कहाँ भाग रही है? वापस आ जा। मेरा टक्कर क्यों मार रही है? अच्छा She is taking chocolates actually. सुना भाई, ready होगा पर नहीं है। दो चार कुछ ले चल। ये लो पिकू, ये रखो ये बंद। इसका वेट होना है पिकू अभी। हाँ दे दो, दोनों दे दो। आपको ऑरेंज लेना है क्या? ऑरेंज नहीं, नहीं वाले अभी नहीं बेटा, अभी सीजन क्या ही नहीं है, एक दो दिन रुक जाओ। पापा बोल रहे हैं जाओ देखो, ये गर्म हो जाएगी। अच्छा कंबुजा, कंबुजा लिया था मैंने, वो है यहाँ पे। हाँ शरे कंबुजा दिखाओ पापा को। हाँ ये रखे, मैं ले गई थी पिछली बार 3 फ्लेवर ले गई थी यहाँ से। बिल्कुल रियल जूस, रियल जूस था बिल्कुल।
मुझे नहीं पता, मैं तो खाती नहीं। पापा, मैं यहाँ पे बार बार कैमरा के सामने हाथ इसलिए घुमा रही हूँ क्योंकि मैं इसके फीचर्स कोशिश कर रही हूँ समझने की। तो इसको ऑपरेट करने के लिए ये हैंड स्विंग वाले मूवमेंट्स में ट्राई कर रही हूँ, इसलिए आप ये मत सोचना मैं कुछ अचीव कर रही हूँ। बस ये मेरे मोबाइल के कुछ सिस्टम हैं जो मुझे कम आते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न इट कि मैं इसको डिस्टेंस के साथ जो है वो यूज़ कर पाऊँ अपने मोबाइल को। पिकू चल जाओ थोड़ी आगे, बाय पिकू। हाँ ज्यादा जल्दी चल रही है, दांत गया ना रात को तेरा, दांत गया ना। मेरा कैमरा ऑन हो गया यो, और मेरा कैमरा अब है मम्मा। नाइस ट्राई, नहीं हो रहा इससे, सिर्फ मैं इसको आई कैन हमने 3 घंटे के बाद एक स्टॉपेज लिया फॉर लंच क्योंकि हम मॉर्निंग में चले थे, तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ खास नहीं किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे बैठ के जो है लंच किया। और अब तो जो है हाईवे पे बहुत ही अच्छे अच्छे आउटलेट बन चुके हैं। अब आप अचानक ये सोचने ना लग जाना कि मैक्स कहाँ गया, तो मैक्स को हमने इस बार जो है एक डॉग हॉस्टल के अंदर जो है वो छोड़ के आए हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि साथ में ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो नया भी उसने ट्रैवल ज़्यादा किया नहीं है, तो उसकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक बहुत ही सेफ़ जगह पे उसको जो है वो रखा है जहाँ पे पेट्स की बहुत अच्छे से केयर होती है। तो यहाँ पे हमने खाना खा के जो है वो आगे का ट्रैवल शुरू कर दिया है, और अब हमें जो है क्योंकि एक बहुत लंबे गैप में स्पेशली यहाँ पर जो हाईवे रहता है, ये जो रूट है मुरफ वाला जो रूट है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लेते हैं, तो हमने एक ले लिया है। अब हम सीधे जो है जब हम उत्तर प्रदेश क्रॉस करके और उत्तराखंड के अंदर एंटर कर जाएंगे तब हम एक स्टॉपेज लेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता हो जाएगा और हम डेस्टिनेशन पे टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, साथ ही साथ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको एक फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा आप स्टॉप लेंगे तो उसमें आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो हाईवे है यहाँ पे काफ़ी वैकेंट है। हाँ, जहाँ पर आप उत्तराखंड में एंट्री करने वाले होंगे पास में जब हरिद्वार में आप पहुँच जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके जो है बढ़िया रेस्टोरेंट्स होटल्स स्टे सब आ जाते हैं, तो काफ़ी ठीक रहता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। हमने अपना अगला स्टॉप लिया था राजा जी नेशनल पार्क के पहले, ये रसोई करके एक जगह आती एक ढाबा है वहाँ पर, और जब वहाँ पर से हमने खाना खा के आगे के लिए हम चलना शुरू हुए तो हमारी गाड़ी जो है उसकी बैटरी डाउन हो गई, और बैटरी डाउन होने के बाद तो भाई ये गाड़ी जो है ये धक्का मारने से नहीं चलती है, ये हमें मालूम चल गया था एक बार पहले भी, लेकिन उसके बाद कई साल के बाद जो है फिर से ये चीज़ हुई। तो इट्स लाइक अब हमने लर्न कर लिया, खैर तो इन्होंने अपना वो कुछ जुगाड़ रखा हुआ था, और फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छे लोग हमें मिल गए थे कि उन्होंने हमारी हेल्प कर दी यहाँ पर बैटरी को एक बार स्टार्ट करने के लिए। तो ये समहाउ कई बार गाड़ी ना धोखा दे जाती है, पर फॉर्चुनेटली हमारा काम बन गया और यहाँ पर जो है गाड़ी ठीक हो गई है, स्टार्ट हो गई है। अदरवाइज़ हम लोग बिल्कुल ऐसे सोच रहे थे कि अब क्या होगा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया है ट्रिप,
बट फॉर्चुनेटली सब ठीक रहा और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम राजा जी नेशनल पार्क को पूरी तरह से अब ये सोच के बहुत ही तसल्ली के साथ अब क्रॉस कर रहे हैं कि वी आर इन नाउ सेफ हैंड्स और अब हम आगे का रास्ता बहुत अच्छे से तय कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सीट, आपको लग रही होगी मेरी हाइट कम है, पर ये सीट ना थोड़ी इंक्लाइन करी हुई है क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठ पा रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स उसमें बैठ रही हूँ। और यहाँ पर जो है अब हम आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और अंधेरा तो हो ही जाएगा भाई पहुँचते पहुँचते, पर ये है हम ये पूरा जो वैकेंट है पूरा रास्ता और हिली एरिया भी जो है काफ़ी हद तक हम क्रॉस कर लेंगे और हमें जो है आज रात को अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना ही है। आफ्टर ऑल हम बीच में और कोई स्टे नहीं लेना चाहते हैं। देहरादून कोतवाली थी वो देहरादून इज ऑन लेफ्ट साइड, किलोमीटर दूर हाँ, तो लेकिन वो बस स्टैंड का हिसाब होता है।